लवी बेटी, मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे मन में जो आपकी छवि है वो एक रा... मत बोलो मुझे सुनो, फिर आप मेरे मतलब चलो 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 लोकेश चलो लोकेश देखो मेरे लिए सभी बेटियां हैं, सुनो सुनो लोकेश, मैंने सच बोलते चैनलों पर काम किया है अभी लोकेश, लोकेश मेरा एक प्रश्न है, रावत जी एक मिनट, रावत जी एक मिनट से मुझे बोलने दीजिए, मेरा एक प्रश्न है आपसे, अच्छा कर रहे हो, अब जब गंदगी करते थे पानी और बाबा करते थे तब इनको सुनाते थे, क्या गलत कर रहे हो, ये चीज गलत है लोकेश, मेरी बात सुनिए, हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, स्वामी ओम के साथ हाँ, मैंने कई टीवी चैनल में डिबेट की है, ये कहते हैं कि वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वो सारा स्क्रिप्टेड है, क्या वो पूरा स्क्रिप्टेड है प्रोग्राम, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल स्वामी ओम जी यहाँ पे नहीं, वो लीला है, आइए जरा हम पट्टी खोलते हैं, आइए जरा एक वीडियो दिखाते हैं और स्वामी ओम जी जरा इसको ध्यान से देखिएगा और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बेटियों को क्या ये इस तरह से छूता है, इस तरह से देखता है, इस तरह से स्विमिंग पूल के साथ नाचता है और ये कहता है कि रात को बिग बॉस की सारी लड़कियां आती थी उसके सामने उसे रिझाने की कोशिश करती थी, कोई गलत बात नहीं है, आपने कहा है अपनी बेटी के बारे में, अभी भी मैं कह रहा हूँ अपनी बेटी के बारे में कहोगे, उसके प्रोफेसर से मुझे नफरत नहीं हो सकता, मेरी वो भी बेटियां हैं जो मजबूरी में करती है, स्वामी जी मेरा एक आग्रह है, मैं आगे आना चाहता हूँ, ये जो अभी आपने किया था ना ऐसे ऐसे जरा एक बार करके दिखाई, एक मिनट नहीं एक बार प्लीज भाई, आप इतनी बार खड़े हुए जाने के लिए एक बार ये तो बनता है, सुनिए सुनिए आप तो सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है, सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है, सुनिए हाँ, इसके लिए इसको करने के लिए सनी लियोनी को लाना पड़ेगा, बाबा सनी लियोनी को लाना पड़ेगा, सनी लियोनी मेरे पास में आई, अच्छा सुनिए सुनिए, लियोनी तो आपकी बेटी है, बेटी के सामने ऐसा नाच करते हो क्या, आपने कहा ना जो एक्टिंग है ये ओम लीला है, ये ओम लीला है, अच्छा तो लीला हो जाए जरा, लीला हो जाए जरा, अरे हम लोगों मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को एंटरटेनमेंट दिया, मैंने आपसे कुछ छीना तो नहीं, कुछ तो दिया ही भाई, मार्तंडेयपुरी जी, मार्तंडेयपुरी जी जिस तरीके से नागिन डांस, मैं केवल एक सवाल करूंगा अजय जी, जी अत्यंत आदर के साथ जी, कि जिसको प्रभु के दर्शन हो जाएं जी और उसको भी अपने जीवन का भय हो जी, इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मान सकता, बहुत अच्छी बात है, जिसके सामने प्रभु प्रकट हुआ हो और वो अपने प्राणों का भय लिए घूम रहा हो तो या तो प्रभु का दर्शन गलत है या ये व्यक्ति गलत है, अजय जी छह गोली भर के एक क्या कर रहे हैं, छह गोली भर के भड़कने पूरी की, अजय जी छह गोली भर के रियल रिवॉल्वर आप मेरे पास में रख दीजिए, मैं इनको अचानक इनका भय दिखाऊंगा आपको, अच्छा चलिए आपने अच्छा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया स्वामी जी, ये बताइए ना, सुनिए सब सुन तो लीजिए ना, देखिए हम बातचीत तभी होती जब एक आदमी सुनेगा दूसरा बोलेगा, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि जो महिलाएं आपसे छोटी उम्र की हैं उनको आप बेटियां समझते हैं, जो मेरे उनके साथ अगर आप नृत्य करते हैं तो वो ओम नृत्य या ओम लीला है, वो ओम लीला है, चलिए बिल्कुल है, आपके ऊपर लोलुपा और तमाम लोगों ने अश्लीलता अभद्रता गंदी बातें गलत तरीके से छूना तमाम तरह के आरोप लगाए, भाई ऐसा कौन सन्यासी है, मैं सन्यासी मैं आम आदमी की बात छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ ऐसा कौन सन्यासी है जो महिलाओं को अभद्र तरीके से छुए वहाँ उनके साथ बदतमीजी करे, आप मुझे बोल दीजिए, आप बताइए, मेरी आवाज बहुत खत्म हुआ पड़ा है जी, वहाँ सन्यासी एक्टिंग नहीं कर रहा था, वहाँ ओम लीला करने वाला एक एक्टर ओम जी एक्टिंग कर रहा था, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो ओम जी, ये सब लोग यहाँ पर बैठे ये एक्टर्स हैं,
मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा, नहीं, मैं आप अपने आप को ओम कहते हैं, अपने आप को स्वामी कहते हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, आपने इसको प्रोफेशन बना लिया, वकालत करते हैं, इसको बिजनेस बना दिया, आप वकालत करते हैं। अरे भाई, इसमें कोई इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ये FIR है। तो क्या है, बार बार FIR देख रहे हैं, पुलिस वाले की कॉपी कर रहे हैं। मुझे आप नहीं रोक सकते कुछ देखने में, आप वकालत कीजिए कोर्ट में। आप कहते कभी गोली रखते हैं क्या सबके ऊपर, गोली रखने की बात होती है क्या? आप कोर्ट में वकालत कीजिए, मुझे ये साथ वकालत नहीं कर सकते। आप मेरे को मत बताइए वकालत। हाँ, तो मुझे मत बताइए कि मैं क्या करूँ। You can't tell me anything. You can't dictate me, please. You can't dictate me. No, you can't dictate me. मुझे followers की ज़रूरत नहीं है सर। ऐसा है। आप नीच हैं, मुझे नीच होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सुनिए, आप लोग जजों को खरीद करके सलमान जैसे बड़ी करवा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये सलमान ने कहा, जजों को खरीद करके उसने चिंतारा केस में अपने आप को बड़ी करवाया, जजों को खरीद करके ओम बाबा उसने छह हत्या करके अपने आप को बड़ी कराया। सुनेंगे, उसमें वकीलों की भूमिका होती है। ओम बाबा, यहाँ पर ओम बाबा आप कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप सन्यासी के तौर पर हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर बिग बॉस के घर में थे, लड़कियों को छूकर उनकी तरफ अश्लील निगाहें रखकर, क्या आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे? सुनिए, आप दूर मत जाइए। अच्छा, स्वामी ओम बाबा, आप पर्चा रखिए ना साइड में, स्वामी ओम बाबा आराम से बोलिए पर्चे के बिना। आप किस किस तरह के आरोप लगाते हैं? दूर मत जाइए। हाँ पिनाज, इतने देर से मैं आपको भी देख रहा हूँ, क्या मैं आपको गलत ढंग से देख रहा हूँ? बाबा यहाँ तो आप नहीं देख सकते, और उसका जवाब भी हम देंगे। बिग बॉस के घर में क्या कुछ हुआ था आपको पता है? भावना जैसी प्रभु मुहूर्त पावे तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही बात करती है। वो चरित्रहीन है तो दूसरों को भी चरित्रहीन समझेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको बायोलॉजिकल बेटे ने बोला यार, आपने बोला आप किसी को, जितनी छोटी है सब मेरी बेटियां हैं, सारी तो आपने सब कुछ बना दिया। नहीं कहा मेरे से, आप कौन होते हैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है? आप भगवान है? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? इंसान कौन है? इंसान आप सबको चरित्रहीन बताएंगे क्या? आप महिलाओं को ऐसा बोले? महिलाओं को नहीं, आपने बोला अभी बोला, विवेक बात सुनो, आपने टीआरपी मिल जाएगा। टीआरपी की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा टीआरपी। टीआरपी आप ही को चाहिए, बाकी को चाहिए, दे दूंगा चिंता। इसीलिए आप आ गए थे बिग बॉस के भाई, भाई टीआरपी के लिए बिग बॉस में गए, इसलिए आपने मास्क खाया, साधु जी आपका अंडा खाया। दे दूंगा विवेक जी, बिग बॉस में जाते हैं, होटल में जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट, नकली स्वामी ओम बाबा, नकली साधु टीआरपी दे दूंगा। ये प्रोस्टिट्यूट का सबसे बड़ा उदाहरण है स्वामी ओम बाबा। आप इस तरह के, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अनल गलर आरोप लगाना बंद करें। आप बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आपने कहा बात करते हैं, आपने कहा सलमान खान देशद्रोही है, पक्का ISI का एजेंट है, पक्का है, पक्का है, जजेस खरीद लिए जाते हैं अभी आपने। अरे भाई, इस देश में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का हक सभी को नहीं है। मैंने थप्पड़ उसको, किसको? सलमान खान को, क्योंकि उसने ये कहा कि दोनों केस में किसके सामने मारा थप्पड़? किसके सामने? हाँ, जगन्नाथ महाराज के अपने सामने मारा भाई। सलमान खान को आपने थप्पड़ मार दिया? हाँ, 30 दिसंबर को सलमान खान, सलमान खान ने छोड़ दिया। अच्छा, मैं डेट और टाइम बता रहा हूँ। 30 दिसंबर को रात में सलमान करेंगे, और उस वक्त आपको अपनी जान का डर नहीं लगा? वैसे तो आप इतने डरे हुए थे कि कुछ भी कर रहे थे। अरे, दो पैसे के चूहे से मैं क्या डरूंगा यार, वो सिर्फ नकली सुल्तान, नकली सुल्तान नकली दबंग। आपने सलमान खान को थप्पड़ मार दिया, वहाँ कोई था क्या? अच्छा, कैसे मारा थप्पड़ बताइए, क्या हुआ था? सलमान से पूछ लीजिए ना, क्यों दूर जा लगा, ये मिला फोन उसका, पूछिए उससे आप। अच्छा, बात कर रहे हैं आप? हाँ। उससे बात, उससे मेरे सामने लाइव पिलाइए। अच्छा, और उससे मैं पूछता हूँ कि तुझे मारा या नहीं। हाँ। उसको जवाब देने दीजिए आप। और सलमान खान ने आपसे थप्पड़ खा लिया, चुप रहा, कुछ नहीं बोला? सलमान सिर्फ फूला हुआ है, ताकत यहाँ होती है, बॉडी में नहीं होती। अच्छा, क्यों मारा था? ऐसा क्या कर दिया था सलमान ने? अब आप सुन लीजिए, मैंने क्यों मारा था, आप लोग ध्यान से सुनिए, क्यों मारा था? आप लोग मेरे पर सारे इल्जाम लगा लेना, लेकिन जो काम मैं करके आया हूँ इतिहास में आज तक ने नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए, एक मिनट, ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, मेरी वर्दी पे मत जाए, मैं भी आपके, ये कोर्ट नहीं है, ये ओम जी के ऊपर में डिबेट है। अनुजा जरा सुन तो ले, मैं हूँ, आप नहीं सुन तो ले, सुन तो ले कि सलमान को थप्पड़ क्यों मारा था। जज, ये पैनल है, आप तो
अपराधी हो, अपराधी तुम हो, ये जज पहले लो अपराधी आप हो, हम लोग आप उस कटघरे में हो जिसके ऊपर 336 इल्जाम है। एक सेकंड विराट जी, विराट जी, अच्छा एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट, इस आदमी को अरे सुनिए, ज्योतिष तंत्र का एबीसीडी नहीं आता, ये महिलाओं को ठग के करता है और पैसा लेता है, हिम पैदा है तो केस कर मेरे खिलाफ, मैं साबित करूं। प्लीज, मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, मैं जानता हूं मर्यादा के तहत बातचीत कीजिए, मैं जानता हूं किसी के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप अगर आप लगाएंगे तो ये बेहद गलत होगा। मैंने गिरफ्तार कर आपसे कई बार कह चुका हूं, संयम रखिए और मर्यादा रखिए। स्वामी ओम बाबा जी, तेरी औकात क्या है? केस कर करूंगा मैं, केस कर तू, कोई औकात है? केस कर, मैं केस करूंगा, केस कर तू, अरे तू पागल आदमी है, तू पागल आदमी है, तू किसी के साथ पागल हो सकता है? बैठ जाओ, केस कर, पागल आदमी है, केस कर तू, पागल आदमी है, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा पागल पागल है। विराट जी, विराट जी प्लीज, आप बैठिए, विराट जी, विराट जी, विराट जी, विराट जी, विराट जी, विराट जी, अरे आ जाओ, विराट जी प्लीज, मेरी औकात क्या है? प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, आई आई बैठिए, आराम से आराम से आराम से, ओम जी आप बैठिए, अच्छा प्लीज एक सेकंड, एक एक प्लीज, आई 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 आई, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात, ओम जी आई आई प्लीज, ओम जी आइए बैठिए, ओम जी आप बैठिए प्लीज, अरे ये गलत बात, मार दो ना उसको, प्लीज बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ पर जरा बहस जो है गर्मा गर्म होती जा रही है और वो हिंसक रूप अख्तियार न करें, इसलिए हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और यहाँ पर दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वयंभू बाबा ओम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के जवाब दे रहे हैं, सलमान खान को थप्पड़ मारने का दावा करते हैं, नागिन डांस करके दिखाते हैं। बाबा आपके ऊपर संभावना सेठ कह रही हैं कि आपको तो करंट लगा देना चाहिए पूरी बॉडी में, जरा उनकी बात सुन लें तभी आप ठीक होंगे। करंट तो मैं ही लगाऊंगा अपने शब्दों से भाई। चलिए, एक पागल इंसान के लिए ज़्यादा आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, बाबा को एक सख्त इलाज की ज़रूरत है, उसको अस्पताल में उसको करंट देने चाहिए, ऐसी ऐसी जगहों पर कि वो याद रखे, उसको मुझे लगता है अपनी याददाश्त भी भूल गया है वो, कि वो है क्या एक्चुअली, पाखंडी है, ढोंगी है, क्या है वो, अगर मीडिया वालों को भी वो मिलता है तो उसको पकड़ कर पागल खाने में मसाला मिलता है, उनको भर्ती कराएं और उनको एक्चुअली साथ साथ करंट के साथ साथ डंडों की भी ज़रूरत है। पारिवारिक शो है और पारिवारिक चैनल है सामने, फिर बताता हूं, लेकिन बाबा को बोलना पड़ेगा, बाबा राम नाम सत्य है, आप नाम का राम का नाम ले लो और शांति लाल का लो जी, मतलब बैठ जाओ शांति से, बाबा ने तो नाक में अपना कुकर्म तो पहले बंद करो। अच्छा बाबा अब बताइए, भाई आपको ऐसी ऐसी जगह करंट लगाया जाना, ऐसा है, बात सुनिए मतलब वो संभावना की बात सुनकर तो मैं रुक नहीं पा रहा था, मेरे अंदर देशभक्ति का करंट है भाई, कहां करंट है, मेरे अंदर हिंदू भक्ति का करंट है, वो ऐसा करंट है जिसमें कोई करंट असर नहीं करता। डंडे कहां लगाए जाए, ये डंडे डंडे लगाइए इन लोगों को जो हिंदुत्व के खिलाफ बकवास करते हैं, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक उस व्यक्ति का जिसने 55 साल इस देश के लिए दिए, इस धर्म के लिए, अच्छा आपने क्या किया देश के लिए, रक्षक बता रहे हैं जरा कि बाबा देश के लिए क्या किया, जरा सुने, आइए देखिए, अभी लेटेस्ट घटना एक चल रही है नोटबंदी का, आप लोग हंसना मत, मैं आपको प्रमाण दूंगा, अभी सबूत है मेरे पास में, भाई मुंह पे टेप लगा लीजिए, एक मिनट, टेप मत लगाइए, लेकिन मुझे सबूत देने दीजिए, नहीं क्या सबूत आप देना, अरे आप सीधे बोलिए तो सही, पहले आपने अभी तक देश के लिए एक क्या बड़ा काम किया, अभी तो मैं लेटेस्ट घटना बता रहा हूं, बताइए, पूछ लूं घटना से पहले, एक सवाल, आपने अपने आप को हिंदू धर्म की बात की कि आप बड़े रक्षक हैं और हिंदू धर्म में बड़ा विश्वास रखते हैं, आप हनुमान के भक्त हैं, सही है या गलत? मैं हनुमान का भी भक्त हूँ, मैं देवी का भी भक्त हूँ। अच्छा तो हनुमान चालीसा सुना दीजिए, आपका नागिन डांस तो देख लिया, आप जरा हनुमान की भक्ति भी देख लीजिए, है आती है, सुनिए, नहीं नहीं मुझे कुछ कुछ नहीं आती है, लेकिन सुनाता हूँ, सुना दीजिए, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी फिर भी सुनाता हूँ, अतुलित बल धामम, ध्यान है, सुन लीजिए ध्यान से, जो आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं है, हनुमान चालीसा, एक मिनट एक मिनट, हनुमान चालीसा को जिस वक्त तुलसीदास जी ने लिखा था, लिपिबद्ध किया था, उसमें
हनुमान जी का जो ध्यान दिया लिखा गया है, एक मिनट रावत जी बाद में बोलना एक मिनट, जिस हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये रावत जी बैठे हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, हर पाठ से पहले उस देवता का ध्यान किया तो जाता है। करिए तो सही, जो आप लोग नहीं करते हैं। अच्छा करिए तो सही, सिखाइए तो सही, मौका दे रहे हैं आपको। अब सुनिए जी जी, अरे प्रवचन तो हम बिग बॉस के घर में बहुत क्या के, लेकिन किसी ने दिखाया। अरे आप मुद्दे पर आइए ना, अरे बोलो ना हनुमान चालीसा, प्लीज फुटेज मत लो भाई, मैं दे दूंगा। अरे आप बोलने दो। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत जातम नमः। अब सुनिए, हमेशा आप लोग ध्यान रखना। अच्छा अब नहीं, एक सेकंड, जब भी हनुमान स्वामी जी मुझे बोलने दीजिए। विनाश ने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, हनुमान चालीसा पढ़कर बता दीजिए ना साहब। अरे आप इधर उधर बहुत चले गए। हनुमान गुरु चरण सरोज रज, क्या ये जो बच्चे को याद है वो आप मेरे से सुनवा करके आप एक काम कीजिए ना, फिर ये शो बंद कर दीजिए। मैं आपको 18 पुराण सुनाता हूँ, 4 वेद सुनाता हूँ, आप कम से कम 4 साल डिबेट करते रहिए। पुराणों के नाम बता दो स्वामी जी, बस हम आपको स्वामी मान लेंगे। ऐसा है रावत जी, सुनिए रावत जी, ना तो मुझे एक जोशी से सर्टिफिकेट चाहिए, न एक एडिटर से चाहिए, न मुझे दर्शक से चाहिए, मैं जो भी हूं, ओम जी हूं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, मत सुनाइए। आप हिंदू धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए वहां पर बिग बॉस में गए, कोई ऐसी एक कहानी वहां की बताइए जहां हिंदू धर्म के लिए आपने झंडा बुलंद किया हो। आप सुनिए बिग बॉस की, आप कहते मैं रामराज के लिए गया था। सुनिए बिग बॉस के इतिहास में, अजय जी बिग बॉस के इतिहास में पहली बार मैंने ये कहा था कि तुम भले ही मेरा प्राण ले लो, मैं हिंदू संस्कृति का पोषक हूँ, इसलिए मांस का भक्षण कर। प्लीज मत बोलो बीच में, नकली लोगों के ऊपर डालो। इसको बोलिए ये हिंदू धर्म का झंडा बुलंद है, ये पागल है। स्वामी ओम जी प्लीज बैठिए।